हेलो एवरीवन, मैं हूं रेबल एंड आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के एक और फ्रेश वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि आपने फर्स्ट क्लिप से देख लिया होगा, ए मैच होने वाला है सोलो वर्सेस डुओ। तो मैं उतरा था जॉर्जो पुल पे एंड उतरते उतरते यहां पे हमें मिल जाती है UMP 45 के साथ रेड डॉट एंड सामने में दो बंदे उतरते हैं। तो उनमें से एक बंदे को मैं काफ़ी ज़्यादा हिट देता हूँ एंड उसके बाद मेरे को बाद में पता चलता है कि वो बंदा डिसकनेक्टेड रहता है और वो अपने इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मर जाता है बेचारा। तो ऐसा आपके साथ भी कोई सीन हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं तो ऐसे बहुत बार मरा हूँ। मैं भी उतरता हूँ जॉर्जो पुल, मेरा इंटरनेट कभी चला गया तो मैं कंटेनर पे ही नॉक फिनिश हो जाता हूँ। तो उसके बाद मैं उसके दूसरे बंदे को खोजते खोजते आगे आता हूँ तो फर्स्ट वेयर हाउस में देखता हूँ कि उसका बंदा बैठा हुआ रहता है। तो उसके बंदे को मैं इधर किल कर देता हूँ एंड मैं आगे जा रहा था बट पता चलता है कि एक और बंदा था आगे, उससे वो TPP लेके बैठा हुआ था। तो उसके बाद मैं नेट इधर कुक करने लगता हूँ और उस बंदे पे मैं जैसे ही फेंकता हूँ तो बंदा साइड में चला जाता है। तो उसके बाद मैं इसका जब क्रेट खोलता हूँ तो इसके क्रेट से मुझे अच्छी खासी लूट मिल जाती है। तो इसके क्रेट में बैरल रहता है तो मैं AKM को बैरल से चेंज कर लेता हूँ क्योंकि बैरल क्लोज रेंज में काफ़ी ज़्यादा OP है। तो उसके बाद वो बंदा थोड़ी सी फायर कर देता है तो मैं उस पर जाकर पुश करके शॉट्स लेता हूँ तो फिर पीछे चला जाता है। उसके बाद मैं वापस कवर में आ जाता हूँ तो फिर वो पुश करता है मुझ पर बट बिना कुछ डैमेज दिए हुए ही मर जाता है। तो उसके बाद मैं आगे की तरफ जाता हूँ तो आगे में एक और बंदा था जो कि वेक्टर चला रहा था। तो वेक्टर क्लोज रेंज में काफ़ी ज़्यादा अच्छी गन है तो इसलिए मैं डायरेक्ट पुश नहीं किया उस पर और मैं चढ़ गया इस क्रेट के ऊपर एंड उसके बाद मेरे पास कुछ थ्रोएबल थे तो उसको मैं 1v1 करके इस पर फेंक रहा था। तो पहले मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ तो बंदा ग्रेनेड से तो बच जाता है एंड फिर मोलोटोव मेरे पे बचा हुआ रहता है। तो फिर मैं नीचे उतरता हूँ तो मेरे को लेवल 2 का वेस्ट भी दिख जाता है तो मैं अपना वेस्ट भी चेंज कर लेता हूँ लेवल 1 के वेस्ट से एंड वापस क्रेट पे चढ़ जाता हूँ। तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो रहा था तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि फेंकना वो तो फेंकूँ किधर। तो उसके बाद फिर मैं एक जगह फेंक ही देता हूँ एंड उसके बाद बोला कि बहुत हो गया तेरा, अब तो मैं घुस के तेरे को मारूँगा। एंड उसके बाद मैं बैरल हाथ में लेता हूँ एंड इस पर पुश कर देता हूँ तो मैं जंप शॉट इस पर लेता हूँ तो मैं सोचा कि रस करेगा बट नहीं करता है। तो उसके बाद फिर मैं इस पर पुश करता हूँ तो मैं रिलोड करने के बाद इस पर जंप करके शॉट लेकर मारता हूँ तो इजी किल था। तो उसके बाद फिर मैं इसका क्रेट जैसे ही लूट रहा था मेरे को पीछे से एक और साउंड आ जाती है तो बॉट रहता है तो बॉट का इधर एक और किल मिल गया मेरे को एंड उसके बाद मैं इसके क्रेट से लूट रहा था कि फिर तभी एक और साउंड आ जाती है मेरे को एक और बॉट का तो अभी मैं इसको भी मार दूंगा। तो इधर मेरे को 2 बॉट का किल मिले एंड उसके बाद फिर इधर से लूटने के बाद जॉर्जो पुल पूरी तरह खाली हो चुकी थी। तो उसके बाद मैं गाड़ी लेके बंदे ढूंढने निकल गया तो अभी 32 बंदे बचे हुए थे तो फिर मेरे को 12 बंदे पे बंदे मिलते हैं। अब देखो यहाँ से 12 बंदे बचे हुए रहते हैं, इनमें से मैं 11 बंदों को मारूंगा तो अभी देखते जाओ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस घर के अंदर और सामने वाले में 2 बंदे बैठे हुए रहते हैं। अभी देखना यहाँ पे कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे एक सीन हो गया था कि एक बॉट आ गया था और बॉट से मैं सोच रहा था कि ये 3 बंदे हैं टीम अप करके रखे हुए तो मैं एक ऐसे ही रैंडम नेट फेंकता हूँ तो वो भी नेट फेंक रहे थे लेकिन मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे फेंक रहे थे, उनको लगा कि मैं ऊपर जाके DPP लूँगा बट मैं नीचे ही था। तो उसके बाद मैं इनके घर में क्लोज इन कर जाता हूँ एंड थोड़ा सा मेरा डिवाइस लैग भी होता है क्योंकि मैं iPad 6 जनरेशन पे खेलता हूँ तो इस वजह से मेरा डिवाइस थोड़ा लैग होता है, पुराना iPad हो चुका है जिसमें पबजी अच्छे से नहीं चलती। तो उसके बाद मैं इधर ही TPP ले रहा था तो उसके एक बंदे को इधर देखा कि बालकनी में बाहर बैठा हुआ है तो उसको लग रहा था कि हम 2 बंदे हैं और मैं था अकेला और पीछे में मेरे को भी लग रहा था कि एक और बंदा है। तो पीछे एक बॉट था और उसका बंदा एक बंदा नीचे ही TPP ले रहा था तो वो भी ऊपर आके फिर यहाँ पे आगे दरवाजे पे TPP लेने लगता है तो मैं पुश करता हूँ तो बंदा मेरे को रश करता है तो मेरा शॉट हेलमेट पे ही लेता है तो हेलमेट मेरा हल्का डैमेज हो जाता है। तो उसके बाद मैं इधर हील कर लेता हूँ एंड हील करने के बाद फिर मैं इसके से कुछ उठा लेता हूँ, मैं सोचता हूँ कि एक और नीचे बंदा है अब चलो उसको जाके मारेंगे तो मैं जंप करके जाता हूँ तो बाद में पता चलता है कि बॉट रहता है, इस बॉट ने काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था यहाँ पे। एंड उसके बाद मैं इसको लूटने के बाद हील कर लेता हूँ, फुल मेडकिट लगा लेता हूँ क्योंकि हल्का सा मेरा नहीं बार फुल हुआ था। तो मैं जैसे ही मेडकिट यूज कर रहा था तभी एक बगी वाला आता है, फुल कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस इसको बोलते हैं, तो आके पूरा एकदम बगी ठोकता है और ऊपर बिना TPP लिए हुए चढ़ जाता है मेरे को मारने। अभी देखना इसके साथ कैसे
पे आता है तो मेरा फुल कॉन्फिडेंस में, लेकिन मर जाता है जीरो डैमेज के साथ। तो ये बंदे ओवर कॉन्फिडेंस होके आया था बट मर गया। एंड उसके बाद एक और बगी रहता है, तो बगी पे मैं शॉट लेने की कोशिश करता हूँ बट वो बगी पेड़ के कवर में चला जाता है। तो मैं बगी का फिर टायर एक फोड़ देता हूँ, तो बंदा पीछे की तरफ पता नहीं क्यों बगी लेके जा रहा था। तो उसके बाद फिर मैं लास्ट स्प्रे मार रहा था, मेरे को लगा कि नहीं मारेगा, तो उसके बाद मैं AWM निकालने वाला था। तो AWM निकाला, फिर पता चला कि वो बंदे का किल आ गया। लास्ट में एमबॉट काम आ गया था, उसके वजह से उसका हेड लग गया। एम बॉट बोल दिया, एम असिस्ट बोलते हैं इसको, एम असिस्ट की वजह से उसका हेड शॉट लगा और वो मर गया। हैक नहीं है गाइस। तो उसके बाद मैं आगे चला जाता हूँ, तो यहाँ पे देखता हूँ कि दो बंदे आ रहे होते हैं, तो मैं रिगाड़ी ठुक जाती है, मेरी हेल्थ भी लो हो जाती है। तो उसके बाद मैं इधर पत्थर के पीछे लेट के हीलिंग कर रहा था। तो हील करते करते मैं उनके बंदे को देख रहा था कि किधर किधर उसके बंदे हैं। तो एक बंदा मेरे को बालकनी में बैठा हुआ दिखता है, तो इसको नहीं पता था कि मैं इधर हूँ, वो पता ही नहीं किधर देख रहा था। उसके बाद मैं उसको AWM से मारता हूँ पट से हेड शॉट। उसके बाद इसको मारने के बाद मैं इस पे रस कर देता हूँ, तो मैंने गाड़ी उठाई और डायरेक्ट उनके घर में जाके ठोक दिया। और उसके बाद यहाँ पे दोनों बंदे ऊपर ही रहते हैं, तो मैं नेट निकाल लेता हूँ, नेट से इनको फोड़ूंगा। एक बंदा सीढ़ियों के पास TPP ले रहा था, तो एक मैंने ऐसे ही रेंडम नेट फेंका, दूसरा बालकनी में फेंक दी, क्योंकि पता था कि अगर अंदर फेंकूंगा तो बंदा बाहर ज़रूर आएगा। तो उसके बाद मैं इन पर क्लोजिन कर जाता हूँ, मैं देख रहा था कि अभी भी सीढ़ी पे तो नहीं है। तो उसके बाद वो बंदा नीचे कूद जाता है, तो उसके पीछे मैं भी जाता हूँ, इसको भी मार देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे इनको मारने के बाद फिर मैं गाड़ी लेके और बंदों को आगे ढूंढने जाता हूँ। तो अभी 5 बंदे बचे हुए थे जिनमें से एक मैं हूँ, मतलब 4 बंदे और हैं। तो यहाँ पे बंदा गाड़ी आके मेरे ठुकती है, मेरे पे शॉट लग जाता है। तो जब इसकी गन रिलोड पे आ जाती है तो मैं इसको ईजिली नॉक कर देता हूँ। एंड इसके दूसरे बंदे को देख रहा था कि वो भी रस नहीं कर रहा है, तो रस नहीं करता है तो इसको मैं नॉक करके पूरा फिनिश कर देता। तो इसका जो दूसरा बंदा था वो पीछे जाकर TPP ले रहा था। तो यहाँ पे मैं जैसे ही घर के क्लोज आता हूँ तो पता चलता है कि वो बंदा घर के अंदर आ गया था, ऊपर जा रहा था। मैं तो इसको इजीली यहाँ पे मार देता हूँ, बहुत इजीली इसको मार दिया इधर। एंड उसके बाद इन पे लूट करने के बाद मैं आगे जा रहा था, तो एक बंदा यहाँ पे बगी में बैठा हुआ था। तो मेरे को लगा कि अब बगी से उतर कर मेरे को मारेगा, फिर मैं इस पर पिक करके देख रहा हूँ, उतर मैं मारूंगा तेरे को। तो बाद में पता चला कि ये भी डिसकनेक्टेड रहता है, तो इसका भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। तो इसको मैं हेडशॉट AWM को मार देता हूँ। एंड उसके बाद इसका किल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे 16 किल हो चुके थे। इसका लास्ट बंदा को मैं ढूंढ रहा था क्योंकि नॉक हुआ था, तो इसका लास्ट बंदा मेरे को लगा कि इधर ही कहीं लेटा होगा, तो रिस्क नहीं लेना था मेरे को, इसलिए मैं गाड़ी से ही उसके लास्ट बंदे को ढूंढने लगा। तो मैं देख रहा था कि इसका बंदा किधर ना किधर छुपा है इधर लकड़ियों के पीछे। तो फिर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो पता चलता है कि बंदा इस घर में रहता है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गाड़ी रोक के उतर जाता हूँ एंड यहाँ पे इजली इसको मार देता हूँ। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, लाइक का टारगेट रखते हैं हम इस पर, 100 लाइक, लेट्स गो फॉर द 100 लाइक। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड गाइस हमारा सब्स का टारगेट है 25,000। तो जो भी न्यू अगर इस वीडियो को देख रहे होगे तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। अब 25 के करवा दो यार। बाय बाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन? आई हैव जस्ट बीन हैंडेड एन अर्जेंट and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen.